बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर वार्षिक जेठ मेले की शुरुआत गुरुवार को अमनो अमान की दुआओं के साथ शुरू हो गई। परंपरा के मुताबिक रविवार को गाजी की बारात दरगाह पर आई। जियारत के लिए मजार शरीफ का मुख्य फाटक खोल दिया गया। फाटक खुलते ही मजार शरीफ पर हाजिरी लगाने के लिए जायरीन का सैलाब उमड़ पड़ा। अकीदत मंदों ने जंजीरी गेट चूम कर गाजी की मजार पर पहुंचकर हाजिरी लगाई चादर और निशान पेश कर सुख समृद्धि की कामना की। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला जेठ मेला एक माह तक चलता है। शनिवार को दरगाह प्रबंध समिति के पदाधिकारी और इंतजामिया कमेटी के सदस्यों द्वारा अकीदत के साथ दरगाह की मस्जिद में फर्ज की नमाज अदा की जाएगी। गाजी की मजार शरीफ पर पेश होकर सभी ने देश में अमन शांति व भाईचारा खुशहाली बरकरार रखने, मेले में आने वाले जायरीनों को शिफा मिलने की दुआ दी। दुआ का दौर खत्म होने के बाद मजार शरीफ का फाटक खोल दिया गया। फाटक खुलते ही जायरीनों का रेला गाजी की शान में कसीदे पढ़ते हुए जंजीरी गेट चूमते हुए नाल दरवाजा होकर मजार शरीफ पर पहुंचा। दरगाह प्रबंध समिति के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने बताया, जेठ मेले की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। काफी संख्या में जायरीन व बराते आई है। विभिन्न जनपदों से जायरीनों के साथ बराते दरगाह शरीफ पहुँचने का सिलसिला व दस्तूर जारी है। बहराइच से रिजवान खान की रिपोर्ट। कोरोना के बाद आप लोग यहाँ पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना है आपका? सब उनके चाहने वालों को बहुत खुशी है। हम दो साल से बेसब्री से मेला लगने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमें मालूम पड़ा फेसबुक के जरिए कि यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है, तो वैसे ही हम दौड़े दौड़े चले आए 1000 किलोमीटर। हर साल मतलब आते हैं आपका आना? हम हर साल आते हैं, सरकार के निकाह के अंदर शामिल होते हैं, बराती बनकर आते हैं साहब। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहराइच शरीफ आते हैं, शरीफ आते हैं, कई ऐसी सरकार का भेजो गरम सारे धर्मों के लोगों पे बराबर है। सरकार अजमेर शरीफ में पैदा हुए और यही उनकी विलादत हुई है और यही उनकी शहादत हुई है। अल्लाह के बहुत बड़े वली है, उनका करम सब पे बराबर है। वो सभी को अपने भेजो गरम से नवाजते हैं, उनकी शान निराली है।